शासन व्यवस्था मेरा क्या वहीं से शुरू हो और अगर मेरा स्वार्थ सिद्ध न हो तो मुझे क्या तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ये स्थिति ने देश को तबाह किया है और मैंने उसे बदलने का बीड़ा उठाया है। मंच तो ग्रेटर नोएडा में मेट्रो के मैजेंटा लाइन के उद्घाटन का है, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सियासत से जुड़ी एक ऐसी बात छेड़ दी जिसने देश में एक अलग ही चर्चा को जन्म दे दिया। पीएम मोदी का कहना है, फिल वक्त देश की राजनीति को मैं क्या और मेरा क्या का दौर चल रहा है, जिससे उभर कर हमें ऐसी व्यवस्था के निर्माण की जरूरत है जिसमें स्वार्थ के लिए कोई जगह नहीं रह जाए, और इसका मैंने बीड़ा उठाया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर सुशासन का ये मंत्र सिर्फ पीएम के भाषण तक ही सीमित नहीं रहा। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने भी अपने अपने हिसाब से सरकार की नीतियों की तारीफ की तो पूर्व की सरकारों पर निशाना भी साधा। मूल मंत्र विकास, विकास और सिर्फ विकास आज सभी राजनीतिक सामाजिक व्यवस्थाओं से आगे बढ़ चला है। आपके उसी मूल मंत्र को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी, जो आपका सपना है 2022 में नए भारत के निर्माण का, उस सपने में रंग भरने के लिए 125 करोड़ देशवासी और 22 करोड़ उत्तर प्रदेशवासी आपके साथ खड़े हैं कंधे से कंधा लगाकर। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोगों को उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है और इस दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर बिना किसी भेदभाव के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, व्यापारी और महिलाओं और युवाओं के कल्याण के लिए जिस प्रकार की योजनाएं भारत सरकार के मार्गदर्शन में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुई हैं, उन योजनाओं के माध्यम से हम लोग एक बार उत्तर प्रदेश के अंदर फिर से इस बात को कह सकते हैं कि अब परिवारवाद, वंशवाद और जातिवाद की राजनीति उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी तरह समाप्त होगी। मैजेंटा मेट्रो लाइन का उद्घाटन समारोह में सत्तारूढ़ बीजेपी के बड़े बड़े नेता जब प्रभावी तौर पर अपनी बात रख रहे हो तो बहुत संभव है कि इसका सार्थक असर भी नजर आए, लेकिन पूरे घटनाक्रम पर गौर किया जाए तो कुछ एक तस्वीरें ऐसी भी सामने आई हैं जो इन तमाम नेताओं के दावे से उलट स्थिति पेश करती हैं। जी हाँ, भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में मेरा क्या मुझे क्या जैसी धारणा से उभरने का दावा किया था, उन्हीं के इस कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री को न्योता न देना भी चर्चा का विषय रहा। आम आदमी पार्टी ने इसे लेकर सरकार पर निशाना भी साधा। किसी भी राज्य के अंदर अगर प्रधानमंत्री जी जाते हैं, वहां का मुख्यमंत्री उनको रिसीव करने जाता है, भले ही किसी दल का हो, सरकारी कार्यक्रमों में जाते हैं प्रधानमंत्री जी तो उनके साथ वहां का स्थानीय उस राज्य का मुख्यमंत्री वहां मौजूद रहता है उनके साथ। और अगर मेट्रो का उद्घाटन हो रहा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री को बुलाया नहीं जा रहा है एनसीआर में, तो ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार की ओछी मानसिकता को दर्शाता है। कुछ भी कहा जाए, लेकिन मैजेंटा लाइन के दौरान सामने आई तस्वीरों को लंबे वक्त तक याद किया जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नोएडा दौरा अपने आप में काफी खास है, जिन्होंने लगभग 3 दशक पुराने मिथक को तोड़ते हुए नोएडा की सरजमी पर कदम रखा। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। आजादी के बाद से लेकर आज तक सुशासन एक हसीन सपने की तरह रहा है, जिसे वक्त पड़ने पर सियासी दल आम जनता को दिखाते आए हैं, साथ ही वादा भी करते हैं उस सपने को पूरा करने का। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि अलग अलग दलों के लिए सुशासन की परिभाषा भी अलग अलग रही है, और अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के दौरान जब
पूरी बीजेपी सुशासन दिवस मना रही थी, तभी मजेंटा मेट्रो लाइन के उद्घाटन के वक्त वो अपने सुशासन की तस्वीर भी पेश करती नजर आई, जिसमें सबसे खास रहा पीएम मोदी का वो बयान जिसमें उनका कहना था, राजनीति में मेरा क्या और मुझे क्या की सोच से उभरने की जरूरत है। वहीं इस कार्यक्रम में एक ऐसी भी तस्वीर सामने आई जो पीएम के दावे पर ही सवाल खड़े कर रही थी, और वो जुड़ी थी कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री के निमंत्रण को लेकर। नमस्कार, मैं हूं राजेश सक्सेना, आपका स्वागत करता हूं न्यूज वर्ल्ड की खास पेशकश में। कितनी सार्थक है बीजेपी सरकार की सुशासन की परिभाषा, और क्या वाकई बीजेपी की नीतियों ने सियासत की दिशा को बदलने का काम किया है, इसी मुद्दे पर करेंगे हम चर्चा अपने विशेष सुशासन में। लेकिन अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं इससे पहले नजर डालते हैं इससे जुड़े प्रमुख बिंदुओं पर। क्या वाकई देश की सियासत में चल रहा है मैं क्या और मेरा क्या का दौर? इस संबंध में खुले मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इकरार के क्या मायने? सरकारी कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री को निमंत्रण न देना कितना उचित? क्या मैजेंटा लाइन का उद्घाटन राजनीति के रंग में रंगा नजर आया? सुशासन, जिस तरह से आज अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के अवसर पर मेट्रो रेल का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया, और जो कुछ वहां पर घटित हुआ, किस तरह का मैसेज, चाहे डेवलपमेंट की हम बात करें या अन्य तरह की बातों की, क्या कुछ रहा, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले कि आज की चर्चा ये हम शुरू करें, आपको मिलवा दें उन मेहमानों से जो आज इस चर्चा में स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार आलोक सिंघई साहब। सिंघई साहब, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ में हैं रवि सक्सेना साहब, कांग्रेस नेता। रवि जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ में हैं बीजेपी नेता विकास बोंदरिया जी। विकास जी, बहुत स्वागत है आपका, आप पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवधेश पुरोहित जी, अवधेश जी बहुत स्वागत है आपका, और सपा पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे यश यादव साहब। यादव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार आलोक सिंघई साहब से हम समझेंगे, जिस तरह से मेट्रो के बहाने कई तीर, कई निशाने और अपनी बात, तमाम तरह की चीज़ें पीएम नरेंद्र मोदी ने वहाँ से कही, कई तरह की सियासत भी जिस तरह से वहाँ पर नज़र आई, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आलोक जी, हम आपसे समझते हैं, जो कुछ पीएम नरेंद्र मोदी ने आज कहा, मेरा क्या मुझे क्या का दौर चल रहा है, इसको सुधारना होगा और हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। दूसरा सवाल इसी से जुड़ा, क्या पीएम नरेंद्र मोदी जानते हैं कि एक जो जब बड़ा मंच उन्हें मिलता है तो किस तरह की बातें उन्हें इस मंच से करना है? आलोक जी। जी राजीव जी, दरअसल में पीएम साहब जो हैं वो बोलने में निपुण हैं जी, और उनको जो भी मंच मिलता है उस पर वो अपनी बात कह लेते हैं। अब ये कार्यक्रम जो था आज का, ये नोएडा विकास नोएडा प्राधिकरण का था कार्यक्रम जी। उसने दिल्ली को जोड़ने के लिए मेट्रो रेल शुरू की थी जी। अब इस आयोजन में जो 845 करोड़ की जो ट्रेन लाइन जो डाली गई है 13 किलोमीटर की है, और इसमें 80% लागत जो है नोएडा प्राधिकरण ने लगाई है, और 20% राशि केंद्र की थी। तो इसलिए दोनों अपने अधिकार के समझ के वो बात कह रहे थे कि भारत की के नज़रिए से वो अपनी बात कहने लगे, क्योंकि 20% राशि उनकी तरफ से भी लगी, भारत सरकार की तरफ से भी लगी है। और इस पे विवाद जो आ रहा है वो विवाद का कोई औचित्य नहीं समझ में आता। पीएम ने जो बात कही है वो तो ठीक है, उनके कहे अनुसार के देश में मेरा तुम्हारा हमारा ये कुछ नहीं, पूरे देश का विकास है, देश का विकास हम सबका विकास है, उसमें सब लोगों की भागीदारी होना चाहिए। बिल्कुल आलोक जी, जो आपने बात कही, विकास क्या कहेंगे, जिस तरह से आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिवस बीजेपी सुशासन दिवस के रूप में मना रही है, कुछ ऐसी ही तस्वीर वहां पर पीएम नरेंद्र मोदी ने उकेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सुशासन की परिभाषा बदल रही है, बीजेपी सुशासन सही दिशा में ला रही है,
क्या यही सुशासन है जो आज वहां देखने को मिला? देखिए सक्सेना जी, बीजेपी ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान आज सुशासन दिवस मना रहा है जी। सभी सरकारें मना रही जी। बीजेपी तो सुशासन के लिए ही सत्ता प्राप्त, बीजेपी शासित राज्य बना रहे हैं जी, जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं। ये तो ऑल ओवर इंडिया का एजेंडा है। अब कोई सरकार कांग्रेस की दो चार पांच प्रदेशों में ना मनाए तो इसमें, लेकिन ऑफिशियली तो सुशासन दिवस है ही, डिक्लेयर्ड सुशासन दिवस है जी। देखिए दूसरी चीज, आपने जो सुशासन की बात बोली, बीजेपी तो सत्ता प्राप्ति का प्रयास ही इसलिए करती है कि सुशासन दे सके, देश को आगे ले जा सके जी। आज देखिए यूपी का एक SEZ क्षेत्र नोएडा मेट्रो से जुड़ा और मेट्रो, अब नोएडा के लोग दिल्ली तक मेट्रो से जा सकेंगे, तो ये सुशासन के तहत जो काम किए जा रहे हैं उसी का प्रतिफल है। रवि साहब क्या कहेंगे, जिस तरह का सुशासन आज मेट्रो ट्रेन के शुभारंभ अवसर पर दिखा, वाकई में सुशासन है? राजेश, बहुत दुर्भाग्य की बात है, ये सुशासन नहीं, ये स्वयं का शासन जी। जो हिटलर करता था, जो मुसलोनी करता था, ये उस तरह की भाषा है। 50% दिल्ली सरकार ने इस योजना में पैसा दिया है। आप चुप करिए, मैंने आपके समय नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। ठीक है, जो रवि साहब बोलेंगे, विकास जी रवि साहब बोलेंगे, अभी आप कुछ नहीं बोलेंगे जी, आपको मौका दूंगा जी। अब अगर अरविंद केजरीवाल को वहां नहीं बुलाया जाता, दिल्ली ट्रेन आ रही है और केवल मैं ही रहूं, मैं ही हूं सब कुछ, इस हिंदुस्तान का कर्णधार मैं ही हूं और इस देश में कोई नहीं है, कोई संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, जो संवैधानिक हमारी बाइंडेशंस हैं, उन पर हम सबको वायलेशन करते हुए और केवल मैं और मैं रहूंगा और मैंने ही सब कुछ किया है, तो मैं समझता हूं इस तरह की बातें और इस तरह के जिसे कहना चाहिए कि व्यवहार, आचार व्यवहार मोदी जी का बिल्कुल ठीक नहीं है। अवधेश पुरोहित हमारे साथ में है। अवधेश, क्या कहेंगे जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को नहीं बुलाया गया, किस तरह का सुशासन आप देखते हैं इसमें भी? ये भाजपा का साफ साफ डर दिखाई दे रहा है जी। भाजपा को सबसे बड़ी बात तो कि जिस तरह से उन्होंने नहीं बुलाया, ये तो उनकी सुचिता और राजनीतिक संवैधानिक जो वो चीजें हैं वो सब सामने दिख रही हैं। परंतु जिस सुचिता की बात करते हैं वो भी आज सामने दिख गया है। न बुलाने का कारण सिर्फ है कि उनको डर था कि अरविंद केजरीवाल की जो साफगोई है, अरविंद जी जिस तरह से जनता के मुद्दे पर साफ साफ बोल जाते हैं, उनको ये डर था कि अरविंद जी पिछले 6 महीने से लगातार मेट्रो का किराया न बढ़ाने की अपील सभी केंद्रीय मंत्रियों से लेके ऊपर तक कर चुके थे और वो चाह रहे थे कि इसका किराया नहीं बढ़े, तो उनको ये डर था कि कहीं ऐसा नहीं कि अरविंद जी सारी जनता के सामने और इस मुद्दे पर वहाँ पर सार्वजनिक रूप से ये बयान दे दें कि उसके किराया कम होना चाहिए, मेट्रो का किराया बढ़ना नहीं चाहिए। उस बात से अगर उन्होंने कह दिया तो फिर ये लोग किस तरह से इसको रोक पाएंगे, इसलिए इस डर के कारण उनको न बुलाया गया, ये एक इनका डर है। और स्वाभाविक है कि पहले से दिखता आ रहा है कि जब आपके कंधे आपके गंदे कपड़े गंदे हों और कोई सफ़ेद उजले कपड़े वाला साथ में आएगा तो डर तो लगता ही है। वही एक डर जो है अरविंद जी का उनके सामने था, उसी डर के कारण, उनकी सादगोई के कारण जो है उनको नहीं बुलाया गया। चलिए यस, क्योंकि जिस तरह से इससे पहले अखिलेश सरकार थी और जिस तरह का डेवलपमेंट वहाँ पर हुआ और उन्होंने PM नरेंद्र मोदी ने बातों ही बातों में, इशारों ही इशारों में अखिलेश और सपा को भी अपने निशाने पर लिया, क्या कहेंगे? Yes. राजेश जी, तो हमारा तो पुराना अनुभव है, आम आदमी पार्टी ने तो अभी अनुभव लिया है जी। और दिल्ली की जनता ने अभी देखा, उत्तर प्रदेश की जनता देख चुकी है इस चीज को। जब रायबरेली से जमीन हटा करके गोरखपुर के लिए एम्स की जमीन दी थी तो प्रधानमंत्री जी वहां उद्घाटन करने आए थे और उस कार्यक्रम में वहां के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश जी को नहीं बुलाया गया था। तो ये अब दिल्ली से ट्रेन चलती है और तमिलनाडु से चलती है, जो उदाहरण अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि दे रहे थे, तो मेरे ख्याल से बेहतर तरीके समझ चुके होंगे कि रायबरेली भी उत्तर प्रदेश में है और गोरखपुर भी उत्तर प्रदेश में है। वहाँ कोई एक आयोजन हो और जिसमें जमीन आपको राज्य शासन दे रहा हो और उस आयोजन में अगर आप मुख्यमंत्री को नहीं बुलाएंगे तो आपकी मंशा दिखाती है कि आप किस तरीके का कुशासन बना रहे हैं या सुशासन बना रहे हैं। आप सुशासन दिवस बना रहे हैं अटल जी के जन्मदिवस के अवसर पर, आप अटल जी से सीख क्या ले रहे हैं? वो अटल जी जिनको खड़ा करने में पक्ष की पार्टी ने हमेशा विपक्ष का ध्यान रखा, जब 1971 में सब 1954 में 57 में जब अटल जी पहली बार लोकसभा में पहुंचे थे तो नेहरू जी ने खुद उनकी तारीफ करी थी कि ये लड़का किसी दिन प्रधानमंत्री बनेगा। ये एक पक्ष और विपक्ष की भूमिका होती थी जो जनता की सेवा के लिए होती थी। 1984 में जब अटल जी को अमरीका जाना था अपने इलाज के लिए, तब इलाज बहुत महंगा हुआ करता था, तब राजीव गांधी ने संयुक्त सभा की उसके लिए प्रतिनिधि के रूप में इनको भेजा था ताकि अटल जी का इलाज हो सके।
तो ये बहुत सारे ऐसे अटल जी के उदाहरण हैं कि जब इंदिरा गांधी जी युद्ध लड़ी थी पाकिस्तान के साथ में, सॉरी 71 के जो युद्ध था, तो अटल जी स्वयं इंदिरा जी से मिलने गए थे और उनको दुर्गा जी की उपाधि दे करके उनको सम्मान दिया था और बात करी थी। तो ये पक्ष और विपक्ष का जो नाता है, अगर आज ये सुशासन दिवस के अवसर पे अटल जी से ही सीख लेते तो शायद बहुत कुछ सीख जाते। लेकिन मुझे पूरी बात करने दीजिए, लेकिन जो इनकी द्वितीय पंक्ति इकट्ठा हुई है, जो आडवाणी जी को, मुरली मनोहर जोशी जी को, या जो इनके वरिष्ठ नेता है जिनको धकेलने का काम कर रही है, कोमा में ले जाने का काम कर रही है, वो ये सब चीजों से वास्ता नहीं रखती है। उनको केवल एक ही चीज मालूम है, मैं और मेरा नेतृत्व। जो नेतृत्व इनका है वो भी मैं जानता है और ये स्वयं भी मैं जानते हैं। जो ये कहता है कि दलित को मत मारो, मुझे मारो, ये सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। ये खुद को मारने के मतलब उकसाते हैं लोगों को कि मारपीट ही आप कीजिए और मारपीट का ही माहौल बनाना चाहते हैं। अगर योगी जी की हम बात करें तो योगी जी विद्यालयों की जो दीवार है उसको भी भगवा करना चाहते हैं, बच्चों को भी वस्त्र पहनाना चाहते हैं तो भगवा पहनाना चाहते हैं, खुद की टेबल पे भी तौलिया जो रखते हैं वो भगवा दिखा के संदेश देना चाहते हैं। ये तिरंगे पे विश्वास नहीं करते हैं, ये भगवे पे विश्वास करते हैं। चलिए, ये एक देश को विभाजित करने की तरफ लेके जा रहे हैं। काफी अहम बात आपने की, चूंकि जिस तरह से हमारा मुद्दा सुशासन है उससे रिलेटेड आपने बात की। वरिष्ठ पत्रकार आलोक सिंघई साहब हमारे साथ में। आलोक जी, जिस तरह से यश ने जो बात कही, हम उसी बात को आगे बढ़ाएंगे। 24 दिसंबर 2002 को जब दिल्ली में मेट्रो का शुभारंभ हुआ, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने शीला दीक्षित को बुलाया। तो आज जबकि सुशासन दिवस था, ऐसे में ये बनता था कि हम कुछ इस तरह के उदाहरण पेश करते, चूंकि हम अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन मना रहे थे। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अब इन चीजों में कमी आई है जो यश कह रहे थे? दूसरी तरफ एक बड़ा सवाल जिस तरह से नोएडा को लेकर रहा है, लोग डरते रहे हैं, जो मुख्यमंत्री हैं यूपी के वो डरते रहे, आने से हिचकते थे कि हम जाएंगे तो हमारी कुर्सी चली जाएगी, उस बात का भी जिक्र पीएम नरेंद्र मोदी ने वहां पर किया। जी बिल्कुल है, नोएडा से बड़ा टेबू बना हुआ था और अब तक अखिलेश जी भी मुख्यमंत्री रहते हुए वहां नहीं गए, नहीं गए जी। और अब वहां पर ये लगता है उनको कि राजनीति खत्म हो जाएगी जी। ये पहली बार ये हुआ कि मुख्यमंत्री जी पहुंचे, प्रधानमंत्री जी पहुंचे, तो ये अच्छी चीज थी। दूसरी चीज है, इसमें विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है जी। दरअसल में ये जो प्रोजेक्ट था, ये प्रोजेक्ट दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का था जी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का जब निर्माण हुआ था, तब दिल्ली सरकार ने उसमें पैसा लगाया था जी। फिर उसको दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को नोएडा विकास प्राधिकरण ने ये काम दिया जी। उसने अपने यहाँ की रेल लाइन अपने यहाँ के लोगों के लिए दिल्ली तक पहुंचने के लिए बिछवाई। 7 स्टेशन पड़ते हैं रेल के, 7 स्टेशन जो है इस ट्रेन के दिल्ली में पड़ते हैं, 4 स्टेशन जो है वो नोएडा में पड़ते हैं। तो इसको विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए था। नहीं, वैसे आप पार्टी जो कह रही है, आलोक जी बिल्कुल विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन कहने का तात्पर्य यह था कि चूंकि आज सुशासन दिवस बीजेपी मना रही है, कहीं ना कहीं एक नई नजीर, सारी बातें सुशासन से रिलेटेड बातें होना चाहिए। वो कहते क्या तेरा क्या मेरा, सबको परे रख के, लेकिन उस जगह से जिस तरह से विरोधियों को टारगेट किया गया, निशाने पे लिया गया, कहीं ना कहीं आज के दिन वो नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल सही बात है। और अपने यहाँ तो यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ में सभी की आहुतियां दी जाती हैं, यक्ष की, यक्षणियों की, पशु पक्षियों की, सबकी आहुतियां दी जाती हैं। यदि बुला लेते तो कुछ नहीं जाने वाला था, बिल्कुल नहीं बोलने देते, अपनी उस कार्यक्रम में तो शामिल कर लेते। पर सबसे बड़ी चीज ये आयोजन बीजेपी का नहीं था ना। आलोक जी, आप भाजपा के प्रवक्ता के रूप में बात मत, ये बीजेपी का आयोजन नहीं था। पत्रकार हैं आप, मुझे ये बताएं उनको क्यों नहीं बोलने देते भाई? आयोजन ही नहीं था, बीजेपी का आयोजन नहीं था। मेट्रो रेल ने अपने बुलाया था दिल्ली के मुख्यमंत्री, एक मिनट सुन लीजिए, बहुत अच्छा फॉर्मूला दे रहा हूं। जो चाहते अगर अरविंद केजरीवाल जी आंदोलन से निकले नेता आपके पास में आऊंगा, है ना, हर मुद्दे को लेके वो आंदोलन करते रहे, कार्यक्रम बनाते रहे जी। अरे भाई आलोक जी बता रहे ना, 7 स्टेशन जी दिल्ली में भी आते हैं, कालका जी में ट्रेन टर्मिनेट होती है, अरे वो स्वागत रख लेते ट्रेन का, अपना कार्यक्रम बना लेते। लेकिन क्या है कि अब जो तथाकथित सफेद, क्या बोला था आपने अवधेश जी,
सफेद कमीज वाले जो है अब वो क्या है, जनता से दूरी बना चुके हैं, अब वो कार्यक्रम नहीं करते हैं। अरे एक मिनट, मैं बात अगर आप चर्चा कर लेंगे चर्चा कर लेंगे चर्चा कर लेंगे आपके पास में मुझे चुप ही कर देना। नहीं नहीं नहीं, सुन तो विकास 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 मैं सबके पास में आऊंगा। तीन सीट वाली सॉरी सॉरी मैं मुख्यमंत्री अवधेश जी मैं आपके पास में आऊंगा। आप करोगे कि जनता अवधेश जी गलत बात है जिसको चुन के भेजा। अवधेश जी मैं आऊंगा, विकास विकास को बोलने दीजिए प्लीज। अरविंद जी सीएम है ना, जो फेडरल सिस्टम है, अगर दिल्ली में कार्यक्रम हो रहा है तो अरविंद जी की उपस्थिति उसमें हो सकती है। नंबर दूसरी चीज, दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन, इसमें दिल्ली गवर्नमेंट पार्टी है, इसमें उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन मेट्रो का संचालन करती है, वो किराए के तय करने में भी भागीदार होती है। अभी रवि जी ने क्या कहा, किराए कम करा दिए जाएं, किराए बिल्कुल कम होने चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की भी यही तो मांग है। अब लेकिन वहां पे जब अरे तो आपके प्रतिनिधि क्यों नहीं करते, आपके प्रतिनिधि ने क्यों नहीं किया भाई? कांग्रेस आंदोलन कर रही है भाई, दिल्ली सरकार के अरे दिल्ली सरकार ने क्यों अरे मत बोलिए आप, नहीं बोलिए आप, क्यों बोले? हमारा बोलने का हक है। डीएमआरसी किसकी है? मैं आपको कह रहा हूं डीएमआरसी किसकी है? डीएमआरसी किसकी है? दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन किसका है? दिल्ली सरकार का है। किसने बढ़ाया? उनने बढ़ाया। चलिए 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 विकास विकास चुकी विकास चुकी वक्त कम है चुकी वक्त विकास 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 प्लीज रवि साहब चुकी विकास विकास चुकी वक्त कम है रवि साहब के पास में आएंगे। किसकी मलकियत है बताइए आप? उसमें दिल्ली सरकार पार्टिसिपेंट है या नहीं है? पढ़िए लिखिए। चलिए चलिए विकास विकास बैठो विकास सरकारें आपकी चली गई है। अरे मीटिंग इस पर हमारा चर्चा को यहाँ पर सब्सिडी देनी थी जवानों समान बिना नॉलेज के आ जाते हो आप। चलिए विकास चुकी विकास आप बात करो रवि साहब के आ जाओ। रवि साहब आपके पास आता हूँ, रवि साहब आपके पास आता हूँ। विकास स्वागत है, पढ़ने होना चाहिए अपना रवि साहब बोलिए। और दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन में दिल्ली सरकार का क्या मुझे बता दो, उनके बोर्ड में कितने मेंबर्स हैं उनको पढ़िए आप कि भाई। तो फिर अगर हम किराया कम कर सकते हैं कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं, सुनते लो कांग्रेस को तो जनता ने दूर कर दिया। हम तो आंदोलन कर रहे हैं ना, दोनों लोग करते रहे। आपके पास में आएंगे, अवधेश कुछ कह रहे थे, अवधेश बोलिए। अवधेश पुरोहित काम नहीं होता, अवधेश पुरोहित की बात मत करिए। अवधेश पुरोहित आपकी भाषा आ गई। सक्सेना जी सक्सेना जी रिमाइंड करिए, इनने गवार शब्द पहले इनने इस्तेमाल किया या मैंने किया? चलिए साथ वैसा ही व्यवहार होना चाहिए। अगर सक्सेना जी गवार शब्द तो इन्हें गवार कहा जाना चाहिए। वक्त कम है, यस यादव कुछ कहना चाह रहे हैं, पूछिए इन्होंने गवार शब्द आपस में आप मिलते रहेंगे कोई सामने शब्द इस्तेमाल करेंगे उनके साथ सुशोभित भाषा का इस्तेमाल करते हैं। समझ में नहीं आ रहा तीनों लोग आप क्या बात कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। यस को बोलने दीजिए, यस कुछ कहना चाहेंगे इस बीच में। मैंने जो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि से बात की, ठीक है दिल्ली मेट्रो में आपने इतने सारे आंकड़े बता दिए, दिल्ली और यूपी को बंटवारा कर दिया आपने, लेकिन मैंने आपसे एम्स का जो सवाल किया था कि उत्तर प्रदेश के एक जिले से दूसरे जिले में अगर जमीन दी और राज्य सरकार ने दी और राज्य में मुख्यमंत्री है, उस मुख्यमंत्री को आपने क्यों नहीं बुलाया, कौन सी राजनीति आप करना तो चाहते थे? दूसरा मैंने फिर सारे सवाल जब आप जमीन देते हैं उसका कार्यक्रम करते हैं, क्योंकि इनको जमीन देते हैं उसका कार्यक्रम अलग से करते हैं। हर आदमी के बीच में बोलेंगे, हर आदमी को दबाने का प्रयास करेंगे। जब आप जमीन देते हैं से लेके
और सारे लोग ये काम कर रहे हैं। विकास जी किसी के राज्य में कार्यक्रम हो रहा है उस राज्य में चलिए, आप बुलाना चाहेंगे या नहीं बुलाना चाहेंगे? चलिए, सबसे बड़ी बात ये है आप गलत शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए आपको, चलिए वक्त कम है, वक्त कम है, इस चर्चा में हम यही विराम देते हैं। आज हमारी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आलोक से कई वरिष्ठ पत्रकार, बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे साथ जुड़ने। रवि सक्सेना कांग्रेस नेता प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में अवधेश पुरोहित आप नेता, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़े। यश यादव सपा नेता, आपका बहुत शुक्रिया। और विकास बोंदरिया बीजेपी की नुमाइंदगी कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से देखा जाए आज पीएम नरेंद्र मोदी ने मैजेंटा मेट्रो ट्रेन का शुभारंभ किया, उद्घाटन किया, उसके बाद जिस तरह की सियासत वहां पर देखने को मिली, हालांकि आज बीजेपी पूरे देश में सुशासन दिवस मना रही है पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को लेकर, लेकिन जिस तरह की सियासत वहां को देखने को मिली, इसके अलावा जिस तरह की बातें हुई उसी पर आज इस मुद्दे पे हमने चर्चा की। आज की चर्चा में बस इतना ही। न्यूज़ बुलेटिन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।